अरे ये तूने कैसे सफाई की है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? पूरे घर में धूल मिट्टी दिख रही है। पहले डस्टिंग तो ढंग से कर लेती, फिर झाड़ू लगाती। अरे आजकल की लड़कियों को तो पता ही नहीं कैसे साफ सफाई की जाती है। चल मैं करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। माँ जी मैंने अच्छे से ही सफाई की है और डस्टिंग भी की है। ला इधर, मैं दिखाती हूँ कैसे सफाई होती है। अरे माँ जी मैं कर तो रही हूँ ना। माँ जी मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर आपको सफाई पसंद नहीं आई मैं दोबारा से कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? लाइए मुझे दीजिए आप। चल आराम से सोफे पे बैठ, और जब तक सफाई करना नहीं आए तब तक आना मत। लेकिन माँ जी, चल बोला ना मैंने, जाके बैठ। अरे ये क्या कर रही है बहू? माँ जी पुनः मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तेरा काम करने का मन नहीं होता तो फिर क्यों करती हो? ऐसे बेमन से काम करने का कोई फायदा नहीं रहता है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पिछली बार जब प्रेस की थी तो मेरे साड़ी जला दी थी, अभी इन कपड़ों को भी जलाने का मन है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपकी कोई साड़ी नहीं जलाई और ना ही कोई कपड़ा जलाया है। चल चुप रह तू, सारे कपड़े मैं प्रेस कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ और बैठो आराम से। अरे तुमने सुबह से खाना खाया कि नहीं? नहीं माँ जी, नहीं खाया खाना। अरे क्यों खाएगी तू? सीधे सीधे बता दे मेरे से कितनी परेशान हो गई है, मेरे को मारना चाहती है। तेरे को पता है मेरे को बीपी है और इतना नमक डाल रखा है इसमें, मारना चाहती तो वैसे ही बता दे। तभी तूने सुबह से जानबूझकर खाना नहीं खाया है। नमक? माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, नमक तो मैंने सुबह चखा था और नमक बिल्कुल भी तेज नहीं है उसमें। अच्छा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ले तू ही खाया ये खाना, देख पूरा खत्म होना चाहिए। तुझे भी तो मालूम पड़े सास को परेशान करने का क्या मतलब होता है। चल खा पूरा। ठीक है। एक बात बताना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो पैसे की कोई बर्बादी भी नहीं की और ना ही मैंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया और ना ही मैंने कुछ खरीदा है। अच्छा फ्रिज देखा है तुमने? उसमें कितने फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, वो पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? सुनो बहू, उन फ्रूट्स में से एक भी फल अगर मेरे को डस्टबिन में दिख गया ना तो ठीक नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी सारे फल खत्म होना चाहिए। ठीक है माँ जी। मम्मी क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप निधि को बेवजह ही डांट रही हो। क्या हुआ ये तू बताएगा मुझे? मैं तेरी माँ हूँ, कब किसको डांटना है अब तेरे से सीखना पड़ेगा मुझे। मम्मी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि निधि से ऐसी क्या गलती हो गई है। पहले तो आप उसके हर काम की तारीफ करती थी, अब अचानक से आपको क्या हो गया है? हर काम में आप उसको डांटती हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले जितना प्यार करती थी आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे कोई काम ही नहीं करने देती, मेरी बात ही नहीं सुनती है। देखो बेटा मैं उसे प्यार से समझाऊंगी ना तो वो समझेगी नहीं, मेरी बात मानेगी नहीं, मुझे कोई काम भी नहीं करने देगी। बेटा तुझे तो पता है ना वो प्रेग्नेंट है, उसको आराम की बहुत जरूरत है। अब गुस्सा ही सही लेकिन वो आराम तो करेगी। अच्छा तो ये बात थी। मम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा निधि से ऐसी क्या गलती हो गई अचानक। अच्छा तो ये बात थी माँ जी, तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ जो मुझसे इतना प्यार करती है वो मेरे से इतना गुस्सा कैसे हो सकती है। माँ जी थैंक यू सो मच। माँ जी एक बात बताओ, मेरे होते हुए आप काम करो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ जी। बेटा इस समय तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी। आप ये सब छोड़ो कि मैं कर लेती हूँ, अपन एक काम करते हैं, काम वाली रख लेते हैं। और सपन ने बोला है तो अपन एक काम वाली रख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वाओ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और अपन दोनों मिलके खाना बना लिया करेंगे,
तो अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बेटा मैं ऐसा करती हूँ, कल ही एक अच्छी काम वाली देख लेती हूँ। बड़ों के द्वारा डांटना हमेशा गलत नहीं होता है। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद छुपा हुआ है। उस मकसद की जानकारी लेकर गलतफहमी दूर करके हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।